कवि, कविता और कवि कुंभ इस श्रृंखला में सुभाष राय जी की एक और कविता, शीर्षक है एक सपना। मैं बहुत सपने देखता हूँ। आजकल सपनों का भी हिसाब देना पड़ता है। डर लगता है अगर मैं कभी सपने देखते पकड़ा गया तो कैसे साबित कर पाऊंगा कि मेरे सपने नाजायज नहीं हैं। सरकार सपने नहीं देखती, वह जमीन पर ठोस काम करती है। उसे सपने देखने वालों से चिढ़ है। वे कोई काम ठीक से नहीं होने देते। वे अपने सपनों की बातें करते करते 100 बरस पुराने सपनों की बात करने लगते हैं। हर काम में मीन मेख निकालते हैं। वे बहुत जिद्दी हैं, कोई बात नहीं सुनते। वे चाहे तो सरकार उनके सपने खरीद सकती है और उन्हें कूड़ेदान में डालकर निश्चिंत हो सकती है। उन्हें मुंह मांगे पुरस्कार भी दे सकती है ताकि वे कम बोले, संजीदा रहें और सपने देखने से बाज जाएं। पर कुछ पाने की बात तो दूर, वे सरकार को सरकार ही नहीं मानते। मुझे अब अपने सपनों से डर लगता है। हालांकि वे निजी हैं, लेकिन सरकार कभी भी उन्हें निजी मानने से इनकार कर सकती है। वे कह सकती है कि जिन पर डंके भड़काने के आरोप हैं, उन्होंने भी ऐसे ही सपने देखे। कुछ नक्सल भी ऐसे सपने देखते पकड़े गए। सरकार मेरे सपनों को जुर्म ठहरा सकती है। वह डुगडुगी पिटवा सकती है। मेरे सपनों से राष्ट्र की अखंडता को खतरा है। सरकार के लिए यह बताना कोई मजबूरी नहीं कि वह संविधान की किस धारा में जुर्म है। मैं चाहता हूँ मैं गहरी नींद सो सकूं। देश दुनिया से बेपरवाह सुकून से जी सकूं। मैं चाहता हूँ मुझे सपने ना आए। आए भी तो नदी, फूल, स्वाद, सुगंध के आए। गरीबों के मुश्किलों के बिल्कुल ना आए। किसानों की आत्महत्याओं के कभी ना आए। पर क्या करूं, अपने सपनों पर कोई वश चलता ही नहीं। शुक्रिया।
शुक्रिया।